हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा, उस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आयनिक इक्विलिब्रियम से आने वाले बेसिक प्रॉब्लम को आप विद इन वन मिनट में कर लोगे। तो टोटल मैं 10 पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ, उस 10 पॉइंट को अच्छे समझना, वेरी इजी है, ये आगे भी प्रॉब्लम में काम आएंगे। तो पॉइंट नंबर वन कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम में के इक्विलिब्रियम डिफाइन करते थे, के इक्विलिब्रियम उसको के से रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर अगर एसिड होगा तो के ए लिख सकता है, बेस होगा तो के बी लिख सकता है, सॉल्ट के केस में उसको केस पी लिख सकते हैं। तो ये सब एक ही बात है, ऑल आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डैट मीन्स जब टेम्परेचर चेंज करोगे तभी चेंज होगा, बाकी चीज़ चेंज करने से चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। पॉइंट नंबर टू कि हमारा सॉल्वेंट इस चैप्टर में फिक्स हो गया वाटर। वाटर एक सॉल्वेंट है। अब वाटर में आप एसिड ऐड कर दो, बेस ऐड कर दो, सॉल्ट ऐड कर दो, या कुछ भी मत ऐड करो, चाहे ऐड करो या नहीं करो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होगा। डैट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। तो ये फिक्स है एट फिक्स टेम्परेचर, डैट इज रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो यही लेंगे, या फिर 99% क्वेश्चन में टेम्परेचर यही होगा। जब तक के टेम्परेचर को वेरी ना कराए तब तक आपका ये चीज़ वैलिड रहेगा, चाहे आप एसिड ऐड कर दो, बेस ऐड कर दो, सॉल्ट ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, समझ गए बात। इसीलिए पीएच प्लस पीओएच का सम भी फिक्स हो गया आपका, डैट इज 14, और उसको पीकेडब्ल्यू बोलेंगे। ये चीज़ें तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कराएंगे। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या आपको ये वैल्यू याद रखना है? नहीं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सिर्फ 298 केल्विन के लिए आपको ये याद रखना है, ये नहीं गिवन होगा, बट अदर टेम्परेचर पे आपको केडब्ल्यू की वैल्यू गिवन होगा। और एक और आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि वाटर H प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, उसको ऐसे भी दिखा सकता है या फिर इस फॉर्म में भी, H प्लस और H3O प्लस एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर को हम उसके आयंस में ब्रेक कर रहे हैं, तो हीट देना पड़ेगा, ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW बढ़ेगा। इसीलिए अगर टेम्परेचर आपका ये 298 या 300 से ज़्यादा है तो उस केस में KW की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 से ज़्यादा होने, मतलब माइनस 12 होगा। इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि माइनस पावर जितना कम होगा उतना वैल्यू ज़्यादा, और अगर टेम्परेचर मेरा 300 से कम है तो फिर KW की वैल्यू 10 की पावर माइनस 16, मतलब 14 से कम होगा। तो जितना ज़्यादा पावर माइनस में उतना कम। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डैट मीन्स 298 से चेंज किया तो KW तब चेंज होगा, अदरवाइज ये चीज़ें फिक्स, इधर वाली चीज़ें फिक्स। क्लियर। पॉइंट नंबर फाइव ये है कि ऑलवेज इस चैप्टर में आपको H प्लस या OH माइनस के पीछे भागना है। अगर आपको H प्लस मिल गया तो बाय डिफ़ॉल्ट OH माइनस मिल चुका है, या OH माइनस मिल गया तो H प्लस, क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट फिक्स हो गया 10 की पावर माइनस 14। तो इसलिए ऑलवेज इस चैप्टर में H प्लस का कंसंट्रेशन किसी तरह निकाल लेना या OH माइनस का। पॉइंट नंबर सिक्स, अगर pH गिवन होगा तो उससे H प्लस कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल ट्रिक, ध्यान से देखो। जैसे pH 5.4 है तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर कौन हो जाएगा? 5.4 का 6, और कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया आपने 0.6, उसको माइनस कर देना। डैट मीन्स 5.4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये जो इंटीजर होगा उसको 10 की पावर माइनस में जाने देना, और ये जो वैल्यू बचेगी उसको लॉग की वैल्यू से एडजस्ट कर देना। तो इसलिए H प्लस क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁶, क्यों? क्योंकि log 4.6 होता है, समझ गए बात। और इसका उल्टा अगर आपको x डेट मीन्स H प्लस OH माइनस एटसेट्रा कुछ भी गिवन हो, तो फिर px या ph, poh, pkw, pka कुछ भी निकालना हो, तो अगर इस फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में लेके आ जाना है, जो 10 की पावर माइनस में होगा उसको यहाँ ले लेना और इसके साथ log लगा देना विथ माइनस साइन, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर pH गिवन है तो H प्लस, और अगर H प्लस गिवन है तो pH कैसे निकालेंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर सेवन, डैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विनो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसका pH 7 होगा रूम टेम्परेचर पे। 7 से pH कम है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक है। जितना ज़्यादा pH होगा उतना ज़्यादा बेसिक, जितना कम pH होगा उतना ज़्यादा एसिडिक। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपने ये पता कर लिया कि आपका सोल्यूशन एसिडिक है तो हमें आंसर का पता लग गया, हमारा आंसर 7 से कम होगा, और अगर बेसिक है तो हमारा आंसर 7 से ज़्यादा होगा pH का, और अगर न्यूट्रल है तो 7 हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस है।
पॉइंट नंबर 8, पी पर एनी पावर x होगा तो उसको माइनस ऑफ लॉग x ऐसे डिफाइन करते हैं, इसलिए पी एच माइनस ऑफ लॉग h प्लस पी ओ एच माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस, तो ये आप जानते हो। पॉइंट नंबर 9, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है h प्लस इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा, बट पी एच कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एसिडिक उतना कम पी एच, पी के ए भी कम होगा, लेकिन पी एच 7 से कम होगा, ये ध्यान रखना है। वैसे ही बेसिक में अगर बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है ओ एच माइनस इंक्रीज होंगे, के भी इंक्रीज होगा, राइट, बट पी ओ एच कम हो जाएगा क्योंकि पी एच बढ़ेगा, पी एच बढ़ेगा तो पी एच प्लस पी ओ एच का सम 14, तो पी एच ज़्यादा हो रहा है तो पी ओ एच को कम होना पड़ेगा, तो बेसिक में पी एच बढ़ेगा बट पी ओ एच कम होगा, पी के भी कम होगा, तो ये सब में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी पी वर्ड लग गया है तो वो कम हो जाता है, एसिड में पी लग गया तो कम हो गया, अगर इंक्रीज कराएंगे बेसिक में पी वर्ड लग गया तो कम हो जाएगा, बट ध्यान दें बेसिक है तो ओ एच वाला, पी एच वाला पी लगा लेकिन इंक्रीज होगा, और चूंकि ओ एच माइनस बढ़ रहा है तो एच प्लस को कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट फिक्स होने वाला है, तो सिंपल है, दो नंबर का अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो एक बढ़ेगा तो एक को घटना पड़ेगा। तो फिर ये टोटल 10 पॉइंट है जो बेसिक प्रॉब्लम को करने के लिए सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में 1 लीटर HCl सॉल्यूशन था, pH उसका 1 है, उसको हमें कन्वर्ट करना है pH 2 में, तो कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, pH अगर आपका 1 है तो H+ का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10^-1, डायरेक्ट राइट, तो ये जो है वो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम 1 लीटर है तो H+ का मोल्स कितना हो गया आपको, ध्यान से देखो तो 10^-1। अब हमें pH 2 चाहिए, pH अगर 2 चाहिए मतलब H+ का कंसंट्रेशन कितना चाहिए, 10^-2, मोल्स तो वही रहने वाले, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स बाय वॉल्यूम, राइट, तो यहाँ से वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, कितना ऐड करना पड़ेगा, मोल्स अभी भी 10^-1, और ये नीचे डिवाइड कर दोगे 10^-2, तो वॉल्यूम 10 लीटर होना चाहिए, बट यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, 10 लीटर टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, जिसमें 1 लीटर तो था ही, तो एक्स्ट्रा हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो 9 लीटर, ये चीज़ ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, तो 9 लीटर ऐड कर देंगे तो 9+1 10 लीटर हो जाएगा, तो फिर pH 2 हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ pH 12, तो अगेन pH अगर 12 है तो POH कितना हो जाएगा, 2, ये क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे बेस है, बेस के केस में OH मिलेगा हमें, और ध्यान से देखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक कैसे होगा, तो कैल्शियम प्लस 2 में और 2OH माइनस में। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं गिवन है, डैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया बाय डिफॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको एरो एक ही दिखाना है, ये सारे पॉइंट है जो ध्यान से समझना आपको, राइट, तो 2OH माइनस इस पूरे का कंसंट्रेशन आपको कितना है, POH 2 है तो OH माइनस कितना हो जाएगा, 10^-2, तो ये आपको 10^-2 है, तो हमसे पूछा गया है इसका मिलीमोल्स, ध्यान दें, तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टोइकोमेट्री 2 है, तो इसका 2 मोल के लिए इसका एक ही मोल लेना है, राइट, तो इसका 10^-2 है तो इसका उसका हाफ लेना पड़ेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 10^-2/2, इतना मोल्स हमें चाहिए मिली मोल्स में, तो हम निकाल सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, इसका मिली मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके मिली मोल्स जो हमें चाहिए, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आपको गिवन है कितना 100, मिली से मिली कैंसिल हो जाएंगे, तो मिली मोल्स यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, 1/2 टाइम्स ऑफ 10^-2 इंटू 100, तो ये हो गया 0.5, लेकिन हमें आंसर कैसे करना है वो ध्यान से देखो, x इंटू 10^-1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10^-1, तो हमारा आंसर x क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5, तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम है लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, आपसे ना हो इसलिए ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में H+ को चेंज किया गया है 1000 के फैक्टर से, तो pH में क्या चेंज होगा, तो यू नो कि जो H+ है अगर आपको गिवन है कंसंट्रेशन H+, तो pH क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H+, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1000 को 10^3, तो ये 3 बाहर आएगा, तो ये चेंज होगा बाय ए फैक्टर ऑफ 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो बाय 3 से ये डिक्रीज हो जाएंगे अगर फैक्टर से इंक्रीज कराओगे, तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको इस टाइप से
रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा और किसी का पूछा जाएगा, इस रिएक्शन का अगर के वन है, इस रिएक्शन का के टू है, तो इसका बताना। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इन दो रिएक्शन को, ऊपर वाली दो रिएक्शन को ऐड कर दूं तो ये मिलेगा। तो इसलिए के ए थ्री जो हो जाएगा, चूँकि ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से, तो के ए थ्री के वन और के टू के बराबर हो जाएगा। तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, बट आपसे गलती ना हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में पीएच ऑफ 0.001 मोलर एनओएच का बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एनओएच से हमें ओएच माइनस मिलेगा, डायरेक्ट ओएच माइनस कितना हो गया 10^-3। कैसे? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं गिवन है, सिंपल। तो ये हो गया, तो एच प्लस कितना हो जाएगा 10^-11। कैसे? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 10^-14, इसलिए पीएच पूछा, ये ध्यान देना। तो पीएच कितना हो जाएगा 11, अगर पीओएच पूछता तो वो कितना हो जाता 3। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट ये 10^-3 देखता है, 3 कर देता है, वो पीओएच हुआ, पीएच 11 हुआ, यहाँ पीएच पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड कंटेंस एच प्लस कंसनट्रेशन आपको गिवेन है, तो बैरियम हाइड्रोक्साइड का कितना कंसनट्रेशन होगा, एक्स इंटू 10^-12 में ये गिवेन है, तो एक्स की वैल्यू बताना है। तो वेरी सिंपल, अगर H प्लस मालूम है, ध्यान से देखो H प्लस कितना है 5×10^-3, तो OH माइनस कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 10^-14 होना चाहिए, तो 2×10^-12 कितना हो जाएगा आपका 12। तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 10^-14 हो जाएगा। कैसे? 10 से एक पावर कम हो जाएगा, तो 12 और 3 = 15, एक कम हो गया तो 10^-14, तो ये OH माइनस का आ गया। अब बैरियम हाइड्रोक्साइड जो है वह अगेन आपको उसका के भी नहीं गिवन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस बैरियम प्लस 2 और 2OH-। ध्यान दे, OH- का कंसंट्रेशन 2 मोल्स का है ये, तो एक मोल का कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो कितना हो जाएगा 10^-12। इसका एक मोल लेंगे तब इसका 2 मोल्स मिलेगा, डेट इज 2×10^-12 जो हमें चाहिए था। तो इसका कितना लेना है 10^-12, तो 10^-12 है यहाँ, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट टाइप था कि पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेज इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो के डब्ल्यू इंक्रीज होगा या एच प्लस इंक्रीज होगा, तो पीएच कम होगा, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज, तो वाटर को डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सो नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पीएच ऑफ 10^-4 मोलर ओएच माइनस गिवन है एट 330 केल्विन, राइट। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया तो आपको देखो के डब्ल्यू की वैल्यू दे दिया है, तो अगर के डब्ल्यू ये है तो पी के डब्ल्यू कितना हो जाएगा 13.6, और वी नो पी के डब्ल्यू क्या होता है पीएच प्लस पीओएच, यहाँ से पीओएच आपको मिल जाएगा कितना 4, क्योंकि 10^-4 है, तो ये 4 पुट कर दो, ये पीएच, तो आपका कितना आ गया पीएच, पीएच आ जाएगा 9.6। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पीएच ऑफ 5×10^-2 मोलर एनओएच, अगेन पीएच पूछा है, गलती नहीं करना है। तो आपको यहाँ से ओएच माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया 5×10^-2, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे? के भी नहीं गिवन है, तो एच प्लस कितना हो जाएगा 2×10^ कितना हो जाएगा माइनस में 13। कैसे? 5×10 एक पावर कम हो जाएगा, तो H प्लस आ गया, तो pH कितना हो जाएगा, आपको बताया था, इसको बाहर ले लो माइनस में log 2, तो log 2 कितना होता है 0.3, तो 13 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.7, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका D। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में pH 5.4 है तो H प्लस बताना है, तो आपको अभी ट्रिक बताया था 5.4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 6-0.6, तो ये 10^ में चला जाएगा, 10^-6, तो ये ऑप्शन सब गया, ये हो सकता है और ये हो सकता है, और 0.6 इज log 4, क्लोज टू 4 होना चाहिए, तो 3.98 क्लोज टू 4 है, ये 3.68 नहीं है, तो ऑप्शन D। तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ ज्ञान की बात में, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीएच 1 से अगर पीएच 2 करना हो तो कंसंट्रेशन आपको ध्यान से देखो 10 टाइम्स से चेंज करना पड़ रहा है। तो वही पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर 1 टाइम से इंक्रीज कराना चाह रहे हो तो चेंजेज आपको 10 टाइम्स से कराना पड़ेगा। जैसे 2 से 3 ले जाना है
तो चेंज यहाँ से यहाँ तक में 1 का है, बट यहाँ से यहाँ तक में आपको कितना चेंज कराना पड़ रहा है, 10 टाइम्स का, 1/10 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी। तो इसलिए ध्यान देना कि पीएच में चेंज स्लोली होगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस में चेंज बहुत फास्टली होगा और 10 टाइम्स का होता है अप्रॉक्स। और लॉग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट यूट्यूब लेक्चर बना रखा है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो, टाइटल होगा उसका लॉग कैलकुलेशन। तो आई होप ये बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसको बेटा अच्छे से कर लेना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के पीएच को कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।